नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हूँ आपका अपना अमर भारद्वाज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2023 लेटेस्ट मॉडल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की हेल्सियन ग्रीन कलर। आज अपने सामने खड़ा है। इस बाइक के अंदर आपको टोटल दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, सिंगल चैनल ABS एंड ड्यूल चैनल ABS। आज के इस वीडियो में ड्यूल चैनल ABS का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की। तो ड्यूल चैनल की आपको ऑन रोड प्राइस मिलने वाली है 2,45,000 जयपुर सिटी के अंदर। एंड अगर आप इस बाइक के सिंगल चैनल वेरिएंट को परचेज करते हो तो 2,38,000 रुपए की आपको बाइक ऑन रोड मिलने वाली है जयपुर सिटी के अंदर। अभी के टाइम पे आपको इस बाइक के अंदर E20 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो 2023 में अब आप इस बाइक को E20 पेट्रोल से भी चला सकते हो, तो ये नए अपडेट के साथ में आपको बाइक देखने को मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस बाइक की दिखा देता हूँ। तो इस बाइक के अंदर आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। की के ऊपर आपको RE की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड इस बाइक के अंदर आपको क्रोम का काफी अच्छा खासा यूजेस देखने को मिलता है। तो इस बाइक के फ्रंट में आपको क्रोम के मिरर देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके के, जिससे इस बाइक का लुक काफी प्रीमियम निकल कर आता है। इसके ब्रेक एंड लीवर ये भी आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में मिलने वाले हैं। तो अगर आप क्रोम लवर हो तो बाइक आपको काफी अच्छी पसंद आने वाली है। जैसे ही आप इस बाइक की को ऑन करोगे तो फ्रंट में आपको जो पार्किंग लाइट देखने को मिलेगी, सबसे पहले लाइट है ये ऑन होगी। एंड जैसे ही आप इस बाइक के इंजन को स्टार्ट करोगे तो इसकी हेलोजन हेडलाइट ये ऑन हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्टील की प्लेट देखने को मिलती है हेलोजन हेडलाइट के ऊपर। इस बाइक के अंदर आपको हजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक के चारों इंडिकेटर को एक साथ ऑन कर सकते हो। इंडिकेटर के ऊपर भी आपको क्रोम का वर्क देखने को मिलेगा। फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएंगे। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, 41mm फोर्क एंड 130mm ट्रेबल। एंड इस बाइक के जो फेंडर है वो आपको प्योर लोहे के पार्ट के साथ में देखने को मिलने वाला है। ड्यूल टोन के स्टिकर आपको इस बाइक के फेंडर के ऊपर देखने को मिलेंगे। साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। 300mm डिक्स आपको इस बाइक के अंदर मिलेगी। यहाँ पर आपको बाइब्री के कैलिवर देखने को मिलेंगे। इस बाइक के फ्रंट में आपको 119 इंच के ट्यूब वाले टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाएंगे। अब बात लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल की। तो साइड में आपको इसके टैंक ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि आपको 3D में मिलने वाली है कुछ इस तरीके की। एंड इस बाइक के साइड में आपको टैंक पैड देखने को मिल जाएगा। एंड इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाएगी। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे E20 का बैच देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसके अंदर आपको 350cc का एयर ऑयल कूल इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाला है, जो 20.21 PS की पावर जनरेट करेगा एंड 27 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। 5 गियर्स के साथ में आपको बाइक देखने को मिलने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको कोई भी किक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस बाइक के माइलेज की बात करूं तो ये बाइक आपको 35 से 40 का माइलेज इजीली निकाल कर दे देगी, अगर आप इस बाइक को इजीली राइड करते हो तो। साइड में आपको क्लासिक 350 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलने वाली है। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूं तो 805mm की सीट हाइट मिल जाएगी। ड्यूल सीट ऑप्शन के साथ में आपको बाइक देखने को मिलेगी। आफ्टर मार्केट आप इस बाइक की एक सीट को रिमूव भी कर सकते हो, जिससे इस बाइक का लुक काफी प्यारा निकल कर आने वाला है। अब बात लेते हैं इस बाइक के रियर सस्पेंशन की। तो इसके रियर में आपको 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है कुछ इस तरीके के। एंड 270mm के डिस्क आपको इस बाइक के अंदर मिलेगी। यहाँ पर आपको बाइब्री के कैलिवर देखने को मिलेंगे, तो सेफ्टी पर्पज के हिसाब से बाइक एक नंबर हो जाएगी। इसके रियर में टायर सेक्शन की बात करूँ तो 120/80/18 इंच के ट्यूब वाले टायर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अब बात लेते हैं इस बाइक की रियर प्रोफाइल की। तो इसके रियर में आपको सिंगल पीस ग्रेविल देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके के। नीचे की तरफ आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग एंड गोल्ड सी हैलोजन टेललाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साइड में आपको नॉन फ्लैक्स हेलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटर आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में देखने को मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ आपको इस बाइक के अंदर लेडीज फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इस बाइक के अंदर क्रोम का वर्क देखने को मिलेगा, स्पीड लिमिट, लो बैटरी वार्निंग, ABS लाइट, चेक इन लाइट, न्यूट्रल लाइट। यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर मिलेगा, जिसके फंक्शन आपको यहाँ पे आई बटन मिलेगा, जिससे आप इस बाइक के ट्रिप एंड ट्रिप टू एंड डिजिटल क्लॉक को एडजस्ट कर सकते हो। साइड में आपको इस बाइक के अंदर RE की ब्रांडिंग एंड सिंगल हॉर्न के साथ में आपको बाइक देखने को मिलने वाली है। एंड साइड में आपको इस बाइक के अंदर इंजन किल स्विच मिल जाएगा। इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूँ तो 120 km/h की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाएगी। तो यह था 2023 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की हेल्सियन सीरीज का एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें।